पीसागन के ग्रामवासी पहुंचे पुलिस कप्तान के पास एक परिवार के साथ दूसरे परिवार के द्वारा की जा रही मारपीट पर कार्रवाई की मांग। आज पीसागन के कुछ ग्रामवासी पुलिस कप्तान के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचे। दरअसल परिवार जिनके साथ दूसरे परिवार द्वारा मारपीट की गई, परिवार की महिला लाली ने बताया कि भौरू और भैरू द्वारा मेरे पति के साथ दो बार मारपीट की गई और उनको मारपीट करने के बाद उन्हें नाली में पटक कर चले गए। इसको लेकर उन्होंने पीसागन थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज पूरा परिवार ग्रामवासियों के साथ पुलिस कप्तान के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचा। कहाँ का मामला है और क्या हुआ था आपके? दो दिन पहले यानी थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, बस बाद में दो दिन ठंडा हो गया, बाद के मैं घर पर आके और भी इसका कूट दिया। दो दिन बाद के मैं घर पर आके घर के मैं कूट दिया, कूट कूट के गंदी नाली के मैं पटक दिया। एक लुगाई, दो तो लुगाई है, ये दो मोटिया रहा। कौन लोग थे वो? वे भौरू और भेरू, भेरू को बेटो है, भौरू। आपके पति के साथ करी? हाँ, आपके पति के साथ करी। क्या नाम है आपके पति का? मोहन। कहाँ रहते हैं? वे हरिपुरा, बदवाड़ा से हरिपुरा बोलता है जिसके। कोई पुरानी रंजिश? हाँ नहीं, वे दो बार ही आगे कूट सके। दो बार आके मार के? आगे दो बार मार गया। पहले कभी शिकायत करी थाने पर? थाना में करी, सुनाई नहीं कर रही है थाना में। थाने में करी थी? पीसागन थाना से। तो आज किससे मिलने हैं? आज एफसी से मिलने हैं, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। लाली। क्या लगती है उनके, जिनके लगी है? मैं भी नहीं हूँ। ठीक।